दोस्तों अगले वीडियो में आपने देखा था कि हम बोट पे चढ़ चुके थे संगम जाने के लिए, तो अब हम संगम के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर केवल बोट और बोट ही नजर आ रहा है। दिखाना मेरे को, मैं तो दोस्तों संगम के लिए निकलने आए हैं। हम बोट में बैठ चुके हैं और इधर देखिए, इधर आपको बोट नजर आ रहा है। ये हमारा नाविक है, पूरे जगह के बारे में बताते जाइए, ठीक है, कौन कौन सी जगह में क्या क्या हुआ था। और सामने आप देख सकते हो ये सम्राट अशोक का राज किला, जोधा महल भी कहा जाता है। इधर देख सकते हैं आप, दूर दूर से लोग यहाँ पे बोटिंग के लिए और संगम देखने आए हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ प्रयाग में अभी माघ मेला चल रहा है, इसलिए लोगों की काफी भीड़ है। हमें लाइफ गार्ड पहनना पड़ेगा थोड़ी देर से, 500 पक्षी को खिलाने के लिए दाना। देखिए पक्षी दिखाई दे रहा है, पंछी अकेला दिल में आया है, इसीलिए तो मेरे को ना ये जगह देखने को बहुत मन कर रहा है। राजा महाराजा लोगों को देखने को बहुत मन कर रहा है। असली वाला इन्होंने मेरे उसको भेजने नहीं बनता है क्या, वही तो दिक्कत है। नहाने के बाद बनाऊंगा भाई, अभी घर भैया हम सामने जा रहे हैं, बताते जाएगा। ओ भैया नाविक सर, हमको बताते जाएगा सब जगह के बारे में। आप पीछे जाते हैं, चल अब तो भैया जी इधर हो जाइए आप। तो हमारा नाव स्टार्ट हो चुका है, अब हम चले संगम की ओर। हेलो, हाँ ये है सामने सम्राट कंट्रोल पी अशोक, नहीं पीडीएफ ला हटाओ, ये देखो पक्षी एसपी वाला कर पवन लाना खिलाने के लिए खरीदे कि नहीं खरीदे ना रे, नहीं खरीदे भैया। वट ब्रिज का फोटो ले लीजिए, कहाँ का फोटो, वट ब्रिज वो सामने वाला झाल लटक रही है ना, फोटो छेवट महाराज जी, हाँ चल लो, हाँ चल लो, जय छेवट महाराज। छेवट पेड़ बोला जाता है, छेवट पेड़ किसको, वो सामने दीवार में जो लाल लाल बना हुआ है ना, वो लाल लाल उसके ऊपर जो है। अच्छा बरगद, हमारे साइड तो बरगद बोलते हैं, वही बोलते हैं, बरगद नहीं बोलते, वट वृक्ष बोलते ना, वट तो पतझड़ होता है, ये पतझड़ नहीं होता भाई, वट वृक्ष उसी को ना बोलते हैं भैया। हम स्टोरी इसका बताते हैं। अच्छा बताइए बताइए, नहीं ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। हाँ बताइए, जब भगवान 14 वर्ष वनवास में निकले श्री रामचंद्र सीतामा लक्ष्मण, तो इस पेड़ के नीचे दशरथ जी का पिंडदान थे, तो सीता माँ ने इस पेड़ को वरदान दे दिया, पूरे पृथ्वी का नाश हो जाएगा, 12 महीने हरा भरा रहे, पतझड़ नहीं होता। ये पेड़ पूरे विश्व में दो ही जगह पाया जाता है, ये तो हमारे प्रयागराज में, दूसरा है गया जी में। गया जी में इसी पेड़ के नीचे सीता माँ ने अपने ससुर जी का पिंडदान किया। भैया बैलेंस बैलेंस भाई, कोई जूता तो नहीं भूले हैं, नहीं भूले, अभी आ गया, आ गया, देखो भाई ऐसे आ जाएगा, और मेरे को छोड़ दे रहे हो, वाओ दैट्स ग्रेट। आप परिवार के नहीं, उधर से ले लो, ऐसे ले लो, गिर गिर जाएगा मेरे को, मत दो पानी में, ये गंगा ये जितनी भी नाव यहाँ चलती है भैया जी, ये सब टेंडर पे चलती है। अच्छा हम लोग नहीं, हमको नहीं पता है, बताने दो ना, वीडियो में बता रहा है, हम लोग तो महीने में पता देते हैं, पैसे ले सब आएगा ना आपको फोटो, चलो मतलब मेरा भैया ले लेगा अभी। और बताइए भैया इस जगह के बारे में, तो हाँ भैया लोग बात कर रहे, थोड़ा फ्री हो जाइए, फ्री हो गए, फ्री बात है,
वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसीलिए बताते जाइए। फूल मांगा थे भैया, एक बार सब लोग पहले माथे लगा लीजिए, ये जल यमुना मैया था, ये यमुना मैया है, मोबाइल फोन बताते बताते, ये यमुना मैया है, ले लो ले लो, मैं तो गंगा मैया, बोलो यमुना मैया थी जय, गंगा मैया थी जय, सरस्वती मैया थी जय, तीर्थराज प्रयाग थी जय, त्रिवेणी धाम थी जय, अक्षयवट महाराज थी जय, लेते हुए बजरंग बली थी जय, अपने अपने माता पिता थी जय, अपने अपने गुरुजनों थी जय, सूर्य भगवान तो प्रणाम कर लीजिए, जय सूर्य नमस्कार सूर्य, हाँ चल लो बहन सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। दीदी वहाँ पास एक चल रहा है यार, इन लोग का हाँ यही तो मजा है, ले लो यार उसे, अब भाई लेके आए पूरे, ऐसा मौसम नहीं चल रहा ना भाई, मस्त धूप किया है लेकिन ना आज, कल धूप नहीं था ना यहाँ, नहीं नहीं कल बहुत, कल परसों बहुत ठंडी थी, अब पिंडदान वगैरह कहाँ होता है, संगम में इसलिए जिससे परिवार माता पिता सास ससुर इत्यादि नहीं होते, पहला पिंडदान प्रयागराज, आपका दूसरा पिंडदान काशी बनारस भैया जी, तीसरा पिंडदान गया, चौथा पिंडदान बद्रीनाथ, बद्रीनाथ योगी कब आ रहे, योगी योगी जी आप आए थे चले थे, फिर आएंगे मेले में, आए थे आगे चले गए, हाँ फिर आएंगे दोबारा, अब मोदी, अब मोदी जी तो अभी अस्थियाँ लेते आए थे माता जी, अच्छा अभी नहीं आए, आएंगे लेकिन इसी में यहीं पे आएंगे ना, नहीं पे हमारी नाव पे, इनके लिए मशीन वाली बोल रही है, उनके लिए बुक होती है फ्रंट वाली, बट 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 आएगा, तो अस्थि और कब लाएंगे, माता जी को तो देवस्थान कई दिन हो गया, सब रहने के लिए बनवाया गया ना, बंदे लोग तो झोपड़ी जो अस्थि पे निदान करता है ना, झोपड़ी बना हुआ है ना पीछे बने बड़े, अच्छा वो पांडा पांडा लोग पांडा वो बने सर, मोदी जी हटा दिए पंडे लोग तो ना, पहले संगम पे बैठते थे, अभी लोग दीमान करने लगे इसको जमीन पे फेंक दिए, समझ रहे हो, बहन ये यमुना नदी है, ये भगवान सूर्य की पुत्री है, शनि और यम की बहन है, जिसके ऊपर शनि महाराज का प्रदोष होता है ना, ये जल लगाने शनि महाराज शांत होते, ये यमुना मैया थे, सुनो ना एक दिन फोटो खींचो ना, ये यमुनोत्री से निकली हुई है भैया जी, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से दिल्ली से, दिल्ली यात्रा मथुरा होते आया है, ये प्रयागराज में समाप्त होते आया है, समझ रहे हैं, यहाँ इंड होते यमुना जी था, समझ रहे हैं, त्रिवेणी में जाए तो वहाँ समाप्त, इस साइड पे गंगा मैया है, कानपुर हरिद्वार होते उनका पानी है सफेद, ये जहाँ चल रहे हरा जल है यमुना जी का, ये यमुना है ना, ये जहाँ हम लोग चल रहे यहाँ 40-50 फीट पानी रह रहा है, जहाँ स्नान करेंगे वहाँ 2-3 फीट पानी नहाने के लिए, तो जितना मैदान देख रहे हैं सब कुंभ मेला ग्राउंड है भैया जी, इसी मैदान में कुंभ मेला माघ मेला होता है, कुंभ मेला 4 जगह होता, पहला प्रयागराज, फिर नासिक, फिर उज्जैन, फिर हरिद्वार, पूरे विश्व में 4 जगह कुंभ मेला होता भाई, पूरे विश्व में 4 जगह, क्या क्या जगह बोले, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, अच्छा उज्जैन, जितना जमीन यहाँ पा जाएंगे प्रयागराज में उतना नासिक ना उज्जैन ना हरिद्वार में नहीं देखो ना, पक्षी किसको क्यों बनाए हैं, ये नाव का आने जाने का रास्ता, इधर से आने उधर जाने, अच्छा इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, गहरा कितना होगा यहाँ, 40-50 फीट पानी रह रहा है, 40-50 फीट यहाँ पे भैया जी, दो चीज मेन है, पहला आपका त्रिवेणी संगम है, दूसरा है लेटे हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, त्रिवेणी स्नान के बाद हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का क्या हुआ, क्या क्या हिंदुस्तान का झंडा है ना उसके नीचे, जब बाढ़ आती तो नहाते जरूर है, वो इसी पानी से नहाते हैं, ये खुद जाती वहाँ, मेरी बात से वहाँ तक जाती है, ज्यादा महीना हम आप लड्डू पिलाते हैं, महीना त्रिवेणी मैया जल पिलाती है, जल उसको कहीं नहीं पिला पाता भाई, वो खुद ये जो पंछी देख रहे हैं साइबेरियन पंछी है, ये ऑस्ट्रेलिया से आती है, यहाँ किस तरह से लग रहे थे, ये दीपावली तो मौसम में आ जाएंगी, होली तो मौसम में चली जाएंगी, नहीं नजर आएगा, समझ रहे हैं, उसको पास उतने इसी मौसम में आती है भैया जी,
होली के बाद नजर नहीं आता है। ठंड प्रदेश के लिए आए हैं, ठंड की ठंड वहाँ पड़ेगी, यहाँ गाने पड़ी जाने का। अरे फोटो सब खींचो ना तुम लोग, वो यही नहीं खींचता। वही है संगम, सामने इधर और लास्ट में मेरे जी यहाँ झंडा लगा हुआ है, बता दीजिए यहाँ झंडा लगा हुआ है। देख रहे लोग अच्छा। और सरस्वती माँ, सरस्वती नदी कहाँ से? ये से बाजू से निकली हुई है, यमुना जी से नीचे नीचे आई हुई है, अंडरग्राउंड होते हैं। दो धारा आप नजर आए था, तीसरी माता नहीं नजर आई थी, वो अदृश्य है। जैसे हमारी आपकी वारी नहीं नजर आती, उसी तरह है सरस्वती विराजमान। स्नान था तीनों तो फल मिलता है, दर्शन था दो। एकदम साफ पानी क्लीन करने मोदी सरकार कराए हैं। वो चल रही है, वो देखो चल रही हरी हरी, वो क्या वाला है, पानी साफ करने मशीन है। अभी भी इतना ही है, कूड़ा करकट निकाल लेंगे। गंगा पानी साफ नहीं हुआ बोलता, हम तो सूरज थूक दे यार उसमें। हाँ लोग चलता रहता नहीं, चलता नहीं रहता, ये तो लिखा नहीं कहीं यार। गलत है। और कितना साफ होगा बताओ तो, इतना भी थोड़ी यार कि तुम के ऑटो तो यार। सॉरी भाई लेकिन गलता नहीं यार, गलत है। सॉरी 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 बोल दिए, क्या गलत है? दिए पानी में गलत है, फूंक दिए भैया, कूद दिए बोल। ये किसका मोबाइल बज रहा है? हाथ जोड़ लीजिए, इधर में मनोकामना मंदिर है यहाँ पे, मनोकामना जिसकी बहन मनोकामना पूरी हो जाती है, गवर्नमेंट जमीन फ्री में देता मंदिर धर्मशाला बनवाने के लिए। वो लंबा रेला दिखाई दे रहा है, वो दिल्ली दस सेठ ने बनवाया था, उनके पास धन दौलत पैसा दौड़ी बहुत था, उसको देखने के लिए वंश नहीं था, बेटा नहीं था, वो भी आप जैसा नहाने धोने के लिए आया था। वो त्रिवेणी मैया तो यहाँ चलता चाहे दूध फूल नारियल, उसी नारियल पे बोले त्रिवेणी मैया मुझे बेटा दे, मैं आपके नाम से मंदिर बनवाऊंगा। दो साल बाद माता रानी उसको पुत्र दिए, उन्हीं के नाम से मंदिर बन रहा है। इसीलिए भैया जी यहाँ जो थाली नहाने धूमने के लिए आते हैं त्रिवेणी मैया, तो थाली लात नहीं मारते। पहला यहाँ माता रानी तीन सिंगार लेती है, दूध फूल नारियल, बाल बच्चे परिवार का नाम लेना है, माता पिता का नाम लेना है, जो तुम्हारी मनोकामना उसी नारियल पे मानते त्रिवेणी मैया में अर्पण करना है। अब मानो तो नामा है, ना मानो तो बहता पानी। अगर यहाँ चमत्कार ना होता तो ये नमस्कार करने नहीं आता, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से मानो हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है, मानो तो नामा है, ना मानो तो बहता पानी। स्नान तो सभी लोग करेंगे, एक दो आदमी बैठे सामान पैसा तोड़ी मोबाइल देते, बाकी लोग सारी पारा स्नान करना है, ठीक है? क्योंकि ये परदेश है भाई, किसी के माथे पे लिखा नहीं कौन कैसा आदमी है, समझ रहे हैं? जहाँ स्नान करेंगे वहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो प्लेटफॉर्म अलग। अरे एकदम फोटो खींचना यार, कोई खुशी नहीं है फोटो सब। जितना भाई क्या सिंह, अरे सुन ना पूजा, यहाँ फोटो खींचो ना रे, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, जिसको लेना है ले लेना। वहाँ पे है क्या संग, वो दिख रहा है वो मेरा नहीं भाई, ये सीन सबका बोल रहा हूँ, सीन सबका बोल रहा हूँ, हमारा नहीं। आर्मी वालों का बोट है भाई, मशीन वाली, ये मशीन वाला बोट है। इन लोग क्या कर रहे हैं? पेट्रोलिंग इन लोग तो बोला अंशु की फ्लड वाला होगा, यहाँ गरीब भी आते अमीर भी आते, समझ रहे भाई? गरीब भी आते अमीर भी आते, ये रातों रिश्ता चलाने वाला भी आता, मैया तो पहला मर्यादा करता, फल फूल लेते डालते स्नान किया जाता है। सब तीर्थों का राज्य है प्रयागराज, इसके बाद तीर्थ नहीं है भाई और कहीं।
बैंड बजा बारात। अब मेला के बारे बताइए, वहाँ का माघ मेला। ये जो जनवरी महीने में इधर में हर साल माघ मेला होता है भैया जी, 12 साल पे कुंभ मेला होता है, 6 साल पे अर्धकुंभ मेला होता है, 36 साल में महाकुंभ मेला होता है। यहाँ 4 प्रकार का मेला होता है भाई। हर अविनाशी रसीद में चले जाइए, वहाँ 2 ही प्रकार का मेला होता है, कुंभ अर्धकुंभ। सही बात है कि नहीं? यहाँ 4 प्रकार का मेला होता है। वहाँ क्या, वहाँ से देख रेख करते हैं क्या पुलिस ना? क्या ओ? ये लाइन परिवर्तित करते हैं, आप अच्छा। इधर से जाओ, आप इधर से आओ। अच्छा हाँ। कंट्रोलिंग रूम है। अब जाए कि नहीं पहने तुरंत स्टाफ करवा देंगे कि वापस वैसे वो सब 25 से कोई किलो ऊपर आता है लेकिन नहीं जाएगा, ठीक है, हो जाएंगे आपको वीडियो है कि नहीं, क्या चीज लाइफ जैकेट। जब आपको आता है तो आप पर्सनल लाइफ को नहीं रखेंगे, कलर देख लीजिए भाई, उधर से आ रहे हैं गंगा जी, कलर ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, उधर से आती है, फोटो ले लीजिए, मोबाइल से लेना। और ये पानी बस किधर रहा है? बनारस भाई, बनारस इधर जा रहा है। ये तो यमुना है, गंगा इधर है। हेलो, हाँ भाई, गंगा इधर से आ रहा है, देती वहाँ पे है, हम नहीं बताएंगे आप बताएंगे भाई, कलर वाली देती है कलर। क्या इस साइड देखना भी और देखो उस पार काला है, कुछ पार ये वाला मिल गई। यही नहाते हैं। ये देखिए, ये है संगम, इधर से यमुना नदी आ रही है और इधर से गंगा नदी आके यहाँ मिल रही है। नहीं नहीं, उधर का यमुना है, उधर का गंगा। इस साइड गंगा है पुल के, उस साइड यमुना है, मिल रहा है, कलर चेंज दिख रहा है। ये देखो इधर से गंगा, इधर से यमुना बह रहा है और इधर से गंगा, और दोनों एक दूसरे से मिल। ये देखो हाथ क्लियर दिखा, देख ये देखो आप दिख रहा है कलर चेंज, देखो उधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, कलर चेंज दिख रहा है, उधर का एकदम साफ दिख रहा है, इसे बदलता। ये देखो ये है गंगा, एकदम तेज बह रहा है, उधर है यमुना। चलो ठीक है, फिर लगाएंगे।
अरे बाहर लगा यार, खाली ना होगा। नहीं